कलयुग में तीन गए, केवल एक बचा दान। और जिस दिन ये भी गया समझ रहे ना, उस दिन तो उस दिन उसका छू नहीं बचे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसलिए मेरे प्यारे, चर्चा चल रही थी उसी समय एक दैत्य आया, राक्षसी, एक राक्षस आया राजसी वेश में। और वो आके कहते हैं धर्म स्वरूप वृषभ को, पृथ्वी स्वरूप गाय को आके मारने लगा। राजा को क्रोध आया, तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम नाथवत दंडहस्तम च वृषलम ददृशे ददृशे नृपलाञ्छनम। अरे तू कौन है जो बलवान हो के भी दुर्बल प्राणियों को मारता है? क्या तुझे यह ज्ञान नहीं कि तू धर्मावतार पांडवों के राज्य में अपराध कर रहा है? हे राजवेशधारी, क्या तुझे अपनी मृत्यु का जरा भी डर नहीं? क्योंकि ऐसे राजा को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं होता जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहती हो। मानस ने ये बात बड़े सुंदर तरीके से कही, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनरे अवस नर के अधिकारी। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जास राज प्रजा दुखारी, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनरे अवसनर के अधिकारी। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनरे अवसनर के अधिकारी। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनर अवसर के अधिकारी, सोनर अवसर के अधिकारी, सोनर अवसर के अधिकारी, सोनर अवसर के अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, ऐसे राजा को कहते हैं राज्य करने का अधिकार नहीं होता। अब प्रभु धर्मराज वृषभ कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे कुल की परंपरा ही ऐसी है कि शरण में आए हुए कि तुम रक्षा करते हो, इसलिए इस दुष्ट को इस राज्य से निकालो। राजा ने कहा, मेरे राज्य से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। आज मानो भयभीत हुआ वो राजा सामने खड़ा है और पूछ लिया था जो राजा ने, दुष्ट तू है कौन? वो भयभीत हुआ राजा कहता है, महाराज मेरा नाम कलयुग है, अब मेरा समय आ गया है प्रभु, चार चरण पूर्ण हो चुके हैं और अब फिर से मेरा समय आ गया है। मैं कलयुग हूं, मैं कहां जाऊं? जहां भी जाता हूं मुझे दूर दूर तक अपने आपके राज्य की मुझे कोई सीमा दिखाई नहीं देती। आपका राज्य पूरे क्षेत्र में फैला है प्रभु, मैं कहां जाऊं? राजा समझ गया था किस दुष्ट का समय आ गया है, आना तो इसको है ही, परंतु फिर भी राजा ने अपनी मति से कहते हैं सोच के इस कलयुग को चार स्थान दिए। कौन कौन से? अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूनां
यत्रा धर्म चतुर्विधः यत्रा धर्म चतुर्विधः दूत क्रीड़ा मद्यपान स्त्री संग और हिंसा इनमें क्रमशः असत्य भय आसक्ति और निर्दयता का निवास होता है। ये चार स्थान दिए सोच के महाराज कली ने इन चार स्थानों को भी अपर्याप्त बताया। कहा महाराज कोई एक अच्छा स्थान तो दे दो, सारे बुरे दे दिए। राजा ने कहा बुराई से कमाए हुए धन में भी तुम्हारा निवास होगा। अब ये धन कौन सा है प्यारे? कहा जो धन हम अच्छे मार्ग से कमाए उसमें कभी कली नहीं आ सकता, अपितु जो धन हम बुरे मार्ग से कमाते हैं उसमें कलयुग आता था। हमारे महापुरुष कहा करते थे, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर कोई घर में ज्यादा बड़ा बीमार हो जाता था ना, तो कहा करते थे कि इतना बीमार कैसे हो गया, लगता है घर में कई गलत रुपया आ गया है, इसी कारण से इतना बीमार पड़ा है, नहीं तो ये इतना बीमार ना होता। बुराई का धन घर में बीमारी को लेके आता है, रोग को लेके आता है, कष्ट को लेके आता है, झगड़े को लेके आता है। इसलिए धन की दिशा अच्छी होनी चाहिए प्यारे। महाराज धन का एक रूप सोना भी होता है स्वर्ण। कहा स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा, बुरे स्वर्ण में। अब राजा को शोक का शिकार खेलने का होता था राजाओं को। महाराज परीक्षित कहते हैं आज राजा ने, राजा के पास मुकुटों की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी आज शिकार खेलने से पहले राजा उस कक्ष में गए जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक पहरेदार खड़ा कर रखा था। किस कक्ष में कभी राजा नहीं आना चाहिए, परंतु आज मति बदली। जब समय बदलता है ना, बुद्धि बदलती है, तब न जाने क्या से क्या करा दे प्यारे। राजा उस कक्ष की ओर गया, द्वार पर खड़ा था उसको हटाया, उसने रोका, धर्मराज ने रोक रखा है तुम्हें यहाँ नहीं आना राजन, परंतु राजा नहीं रुके, अरे जाओ हटो ना, राजा मैं हूं। हटाया द्वारपाल को, कक्ष में गए, वो संदूकड़ी खोली जिसमें बड़ा सा मुकुट रखा था, उस अपने मुकुट को उतारा, उस मुकुट को धारण किया। कई धर्मज्ञ कहते हैं वो मुकुट जो था वो जरासंध का था, परंतु बात न्याय संगत नहीं लगती, क्योंकि जरासंध का मुकुट तो वहीं पर जीत के वहीं पे ही राजा को पहना दिया था भगवान ने, परंतु किसी आतताई राजा का ही वो मुकुट हो सकता था है, इसलिए उस मुकुट को धारण करके राजा शिकार खेलने गए। शिकार तो नहीं मिला, परंतु प्यास लग गई और राजा शिकार के चक्कर में रास्ता भटक गए, और भटकते भटकते राजा घने वन में चले गए। अब प्रभु भटकते भटकते कुछ दिखाई नहीं दिया, मार्ग नहीं दिखा। एक संत का आश्रम पड़ता था छोटा सा, वहां गए जहां पे शमीक ऋषि अपने तप में बैठे हैं। ऋषि का तप लगा था, साधना लगी थी। राजा ने कहा मैं धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र परीक्षित हूं, मुझे जल पिलाओ। अब संत का तप, संत के लिए तो स्वयं भगवान ही धर्मराज हैं। संत किसी की, संत का तप दुनिया के लिए नहीं होता, अपने लिए होता है। बार बार बोला परंतु संत नहीं उठे। अब संत का तप आपके और हमारे जैसा थोड़े था कि बीच में प्यास लगी कथा के तो उठ के पानी भी पी आए, बीच में फोन आया तो साइड में हो गए फोन भी सुन लिया, हाँ अगर बीच में कोई संसार का काम याद आ गया तो वो भी कर लिया। संत का तप तो अखंड है, कबर लग गया तो लग गया, आसन पे बैठ गए तो बैठ गए, फिर ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, ना रति की चिंता, ना मति की चिंता, बस अपनी भक्ति में ही लगे हैं। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, रात ही राधे कहता हूँ, संत तो बस उस धुन में ही लग गए फिर प्यारे। अब प्रभु राजा को क्रोध आया, अच्छा राजा को जल नहीं पिलाता, स्वांग करता है,
मरा हुआ सर्प पड़ा था, संत के गले में डाल दिया, डाल के चल पड़ा राजा अपने महल में। पहुंचा नहीं था उससे पहले ही शमीक ऋषि पुत्र श्रृंगी वहां वापिस आए। पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, बिना कुछ सोचे ही अश्रुधारा बहने लगी और शाप दे दिया, एते लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमी हन नक्षति सम कुलागार चोदितो में तद्द्रुहम। जिसने मर्यादा का लंघन किया है आज से सातवें दिन तक तक्षक काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। यूं कह के पुत्र रोने लगा, पिता के गले से सर्प उतारा। ऋषि के नेत्र खुले तो देखा पुत्र रो रहा कि बेटा क्यों रो रहा है, सारी बात बताई। ऋषि ने ध्यान लगाया तो देखा ये सारी घटना घट गई। आज ऋषि कहने लगे दुर्भाग्य हो गया, दुर्भाग्य हो गया इस राज्य का कि ऐसे राष्ट्र के राजा को शाप लग गया। आज कली ने अपना प्रभाव दिखा दिया, कलयुग ने अपना प्रभाव दिखा दिया। और यूं कह के आज ऋषि बड़े चिंतित हुए, क्योंकि ऋषि को अपनी चिंता नहीं, अपने अपने असम्मान की चिंता नहीं कि मेरा अपमान हो गया। ऋषि को चिंता है तो अपने राज्य की चिंता है, अपने राष्ट्र की चिंता है। इसलिए आज ऋषि अपने शिष्यों को कहता है, वो गौरमुख नामक शिष्य आज गए राजा को संदेश देने के लिए कि राजन अपनी मुक्ति का उपाय खोज लो, आज से सातवें दिन तुम्हारी मृत्यु है। परंतु राजा तो उससे पहले ही जैसे ही राज्य में पहुंचे थे अपना मुकुट उतार के जैसे ही रखा, समझ गए राजा मेरे से पाप हो चुका है, परंतु इस पाप का उपाय क्या होएगा प्यारे, इस पाप का निराकरण क्या होएगा। अपने पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक किया राजा ने, राजसी वस्त्र उतारे, सन्यास के वस्त्र धारण किए और चल पड़े उस राह के ऊपर जिस राह का नाम है कृष्ण राह। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। जो कुछ पाया इस दुनिया से, 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 वो पास जगत के छोड़ चले। वो पास जगत के छोड़ चले, वो पास जगत के छोड़ चले, वो पास जगत के छोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
गंगा के तट पे मुक्ति का मार्ग कहाँ है प्यारे? मुक्ति का मार्ग अगर खोजना है ना तो गंगा तट से बढ़िया कोई साधन नहीं है। इसलिए क्योंकि राजा को पता है संत समागम हरि कथा दो दुर्लभ जग माही, गंगा का तट है और संतों का समागम है। आज राजा जैसे ही वहां पहुंचे तो कहते हैं बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष ऋषि वहां पर बैठे हैं। राजा सबके मध्य में आकर बैठ गए। प्रश्न पूछ लिया राजा ने संतों से, कोई साधारण संत नहीं थे वहां। भृगु वशिष्ठ चवन दक्ष अंगिरा मनुपलत्स्य पुलक भरद्वाज, स्वयं साक्षात महर्षि पराशर और प्रभु बैठे हैं। ऋषि शमीक भी और श्रृंगी भी, जिसने शाप दिया वो भी और जिसके कारण शाप लगा वो भी, कि राजा का कल्याण कैसे होएगा। ऋषि जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। राजा ने जाते ही प्रश्न पूछ लिया। ये प्रश्न राजा का नहीं, ये प्रश्न हम सब का है, ध्यान से सुनना। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, योगिनामं परमं गुरुं पुरुषेह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, हे ऋषियों, आप बड़े बड़े विद्वान हो, योगियों के भी योगी हो। मेरे एक प्रश्न है आप सबसे कि जिसकी मृत्यु आज से सातवें दिन होने वाली हो, उसकी मृत्यु का क्या उपाय है? म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्? सब ऋषि अपने अपने अनुसार बताने लगे। राजा तू यज्ञ कर, अनुष्ठान कर, पूजा कर, पाठ कर, परंतु सम्यक उपाय कोई नहीं बता पाया। अज्ञान का घना अंधकार छा गया चारों दिशाओं में। और कहते हैं जब अज्ञान का घना अंधकार छा गया, उसी समय उस अज्ञान के अंधकार को चीरते हुए एक प्रकाश पैदा हुआ, जिस प्रकाश का नाम है श्री सुखदेव जी भगवान। श्री सुखदेव जी भगवान आज कहते हैं उस भरी सभा में यूं आए और आके ऊंचे आसन पर बैठ गए, जैसे हजारों ताराओं के बीच में चंद्रमा के विराजमान हो जाता है। सबने प्रणाम किया श्री सुखदेव जी भगवान को, परंतु राजा सबसे पीछे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि राजा जानते हैं मैं अपराधी हूं। और कहते हैं अगर हमने अपराध किया हो ना, तो उस अपराध को केवल हमारा मन जानता है। प्यारे डर है कि ऋषि को प्रणाम कैसे कर दूं, क्योंकि मैं अपराधी हूं। संतों ने कहा राजन प्रणाम कर लो, ये ज्यादा देर तक कहीं नहीं ठहरते। स्वागत हुआ सदगुरुदेव का। कहते हैं जिस समय ये सुखदेव जी भगवान वहां थे ना, उस समय महर्षि पाराशर ने अपनी जटाएं बिछा दी स्वागत के लिए।
वेद व्यास ने अपने नेत्रों को बिछा दिया कि आओ आओ ऋषिवर, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु, राजा ने प्रणाम किया, ऋषियों ने कह दिया ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, पूछ लो जिनसे मुक्ति का मार्ग। वर्या नामेश प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मवीत सम्मतः पुंसा श्रोतव्य दिशु यह परः श्रोतव्य दिशु यह परः। ये प्रक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है कि जिसकी मृत्यु आज से सातवें दिन होने वाली हो उसकी मुक्ति के अनेक साधन है, किंतु मनुष्य की अल्पायु और उसमें भी आधा समय उसका सोने में गुजर जाता है, शेष समय भोगों में आसक्तियों में ऐसे ही निकल जाता है। हे राजन, प्रारंभ में मैं भी भगवान के निर्गुण स्वरूप का ही उपासक था, परंतु जब द्वापर में मेरे पिता कृष्ण द्वैपायन ने मुझे भगवान की रसमयी वो कथा सुनाई, तब से मैं भगवान के सगुण रूप का उपासक हो गया हूं। एतन्निर विद्यमानाना मिच्छताम कृतो भयम् योगिनां नृप निर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम् हरिर्नामानुकीर्तनम्। संसारी पुरुषों के शिक्षित कर्म फलों का साधन, मुमुक्ष पुरुषों के मोक्ष का साधन, ज्ञानी पुरुषों के जीवन का मुख्य फल, योगी जनों के चरम योग की परिस्थिति का भगवत फल भगवान के नाम का संकीर्तन ही है। कहते हैं कि हे राजन, मुक्ति के लिए तो तुमने तो कहा तुम्हारे पास सात दिन हैं, पर तुम मुक्ति तो जीव को एक पल में भी मिल सकती है। महाराज खटवांग इसका उदाहरण है कि भगवान का नाम लेके जीव तर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं, केवल मंगल ही मंगल, मंगल में ब्रह्म के समान भी बन जाता है। उल्टा लेके भी जीव पार हो सकता है, उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीक वह ब्रह्म समाना। अतः हे प्रक्षित, तुम्हें किसी प्रकार चिंतित या दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो सात दिन है, तुम्हारे पास तो सात दिन हैं कि प्यारे, इन सात दिनों में तुम्हें स्वर्ग से भी अधिक मधुर, हाँ वैकुंठ से भी अधिक प्यारी उस भगवान के नाम को दूंगा, जिसको ग्रहण करके तुम्हारी मुक्ति और भुक्ति दोनों निश्चित है। इसलिए जीवन का निर्वाहन तो जीव कर लेता है प्यारे, परंतु जिस तत्व को जीव को पाना है प्रयत्न उस तत्व के लिए करना चाहिए। हाँ, आज मानो अनेकों अनेक प्रश्न उत्तर हुए, सदगुरुदेव ने अनेकों अनेक व्याख्यान किए, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग बतलाया, सत्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति, आज वो नियम बतलाए मुक्ति के, और अंततः बताते बताते आज कहते हैं सदगुरुदेव ने बताया कि हे राजन, भगवान के 24 अवतार हुए, सनक आदि का अवतार, नारद अवतार, 12 अवतार, नर नारायण, कपिल, हाँ, रजावतार, दत्तावतार, कृष्ण राम अवतार, परशुराम अवतार, यूं करते करते भगवान का अनेकों अनेक अवतार हुए। कि प्रभु, मेरे भगवान का अवतरण होता है जीव के कल्याण के लिए, कृपा करते हैं भगवान अवतरित होके। सृष्टि विषय का प्रश्न हुआ कि 24 तत्वों से मिलके कंड बना, जिसमें भगवान श्री हरि समाये हैं और इन्हीं के नाभि कमल पे ब्रह्मा जी विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी कमल की नाल के ऊपर तक गए, उन्हें सृष्टि का कहीं अंत नहीं मिला, फिर नीचे तक आए तब भी अंत नहीं मिला, कमल के ऊपर आकर बैठे, एक शब्द सुनाई दिया, तपह कुरु, अज्ञार्थक शब्द है, लोट लकार है, तपह कुरु, कि ब्रह्मा जी आज्ञा को आज्ञा दी गई, ब्रह्मा जी तप करो। कहते हैं जो तप करता है उसका कभी पतन नहीं होता,
ब्रह्मा जी ने तप किया और उसी तप के शत शत फल कहते हैं श्री हरि भगवान का दर्शन हुआ और ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दी कि हे ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अविद्या को उत्पन्न किया और पवित्र मन से सनक आदि ऋषि प्रकट किए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, इन चार ऋषियों को सृष्टि करने की आज्ञा दी। ऋषियों ने कहा नहीं, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हमारा जीवन तो भगवत कार्य के लिए हुआ है। ब्रह्मा जी ने इनको शाप दे दिया, तुम 5 वर्ष के हो, 5 वर्ष के ही रहो। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से उनके क्रोध से कहते हैं, जब रुद्र पैदा हुए, रुद्र रुद्राणी के संग जब अपने ही पैदा की हुई सृष्टि को खाने लगे, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को वहीं रोका। अपने ही शरीर से 10 ऋषियों को पैदा किया और उन्हें आज्ञा दी सृष्टि को बढ़ाने के लिए। सृष्टि क्रम आगे बढ़ा महाराज, और कहते हैं ये क्रम आगे बढ़ रहा था उसी समय कहते हैं पृथ्वी के पहले मानव मनुष्य द्रूपा के रूप में हुए ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से मनुष्य द्रूपा जी को पैदा किया। बोलो मनुष्य द्रूपा भगवान की जय। मनुष्य द्रूपा धरा के ऊपर आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ, परंतु कहते हैं मनुष्य द्रूपा ब्रह्मा जी से कि प्रभु सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाएं, पृथ्वी तो समुद्र में समाई हुई है, उसे बाहर कौन लाएगा। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से कहते हैं स्वयं वाराह भगवान का प्रकट हुआ। बोलो वाराह भगवान की जय। प्रश्न हुआ महाराज कि वाराह भगवान जब समुद्र में गए, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को वहां पर दबा रखा है, हिरण्याक्ष कौन है ये हिरण्याक्ष। कहा हिरण्य माने सोनाक्ष माने जो इकट्ठा करता हो, जिसको संचित करने का रोग लग गया हो वही हिरण्याक्ष है। संचय इसलिए जीवन में धन का ना करके धर्म का करना चाहिए प्यारे, क्योंकि हमारा धर्म ही हमें बचा देगा। प्रभु कथानक कहता है कि ये जो हिरण्याक्ष है ये इतना बलशाली कैसे बना, कि प्रभु एक समय की बात है महर्षि कश्यप संध्या काल में संध्या के लिए बैठे थे, उनकी पत्नी दिति में काम की उत्पत्ति हुई, पति से रति करने के लिए वो अनुग्रह करने लगी, बड़ा समझाया कश्यप ने परंतु नहीं मानी, इसलिए उनके गर्भ से 2 बड़े भारी दैत्य पैदा हुए। शापित हो गई थी महाराज कि देवी तुम्हारे तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्य होंगे। संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत आहारे मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टश्च मैथुने निद्रायां हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। कहते हैं सूर्यास्त के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए, कि 4 कार्य करने चाहिए, 4 कार्य नहीं करने चाहिए संध्या काल में। कौन कौन से? कहा भोजन, विषय, निद्रा और स्वाध्याय। जब 2 टाइम मिलते हैं ना, ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। संध्या काल में सबसे पहले भोजन नहीं करना चाहिए जब 2 टाइम मिलते हैं, उससे क्या होगा, का शरीर में बीमारी आएगी। 2 टाइम ये सारा भोजन हमारा प्रकृति से संबंधित है प्यारे। हाँ धर्मशास्त्र कहते हैं सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का रंक की तरह, रात्रि का भिखारी की तरह। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजा की तरह खाने का मतलब है हमारे सारे शरीर का सिस्टम सूर्य से है, सूर्य की किरणों के अनुसार जो चलता है वो कभी अस्वस्थ नहीं होता, इसलिए सूर्य से चलना चाहिए। हाँ तो महाराज कहा गया
कि शाम के समय जब दो समय मिलते हैं उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, बीमारी लेके आता है। दूसरे विषय नहीं करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए, इससे गर्भ में दुष्ट संतान आती है। तीसरे कहते हैं कि सायंकाल में सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी नहीं ठहरती। और चौथे स्वाध्याय, पढ़ना भी नहीं चाहिए। आजकल तो बच्चों की ट्यूशन होती ही साय को है, दो टाइम जब मिलते हैं क्या पढ़ेंगे वो, क्या दिमाग में बैठेगा। इसलिए करना क्या चाहिए इस टाइम, कहा केवल एक काम करना चाहिए और वो टाइम है, वो काम है केवल भगवान नाम। जब दो समय मिले, अब ये टाइम मिल रहा है आपस में, अभी हम देख रहे कई माताओं को तो इतनी जल्दी रहती है घर जाने की, कि घर जाके कौन सी सब्जी काटनी है तुम्हें, कौन सी रोटी बनानी है। हाँ अरे बना लियो, कथा के बाद बड़ा टाइम पड़ा है, वैसे भी कौन सा तुम 10 बजे से पहले खाते हो शहरों में। तो इसलिए ये चार कार्य संध्या काल में नहीं करने चाहिए। प्यारे किया और कहते हैं इन्हीं के गर्भ से ये कथा बनी थी, यहां से महाराज भगवान की ड्योढ़ी पे दो द्वारपाल खड़े थे जिनका नाम है जय विजय। सनकादि ऋषि भगवान से मिलने के लिए आ जाए, ये जय विजय इन्होंने द्वार पे ही भगवान को रोक लियो। सनकादियों को क्रोध कभी नहीं आता, परंतु जब ज्यादा अधिक धक्का करने लगे भगवान से, इनकी बुद्धि जब फिरी, इनको भी शाप लगा था कि तुम स्वर्ग से भगवान के वैकुंठ से धरती पे आओगे, शापित हुए थे ये भी। इसलिए आज शाप मिला सनकादि ऋषियों का कि जाओ धरती पर जाकर तुम घोर दैत्य बन जाओ। महाराज जिस समय भगवान वहां पर पहुंचे तो जय विजय भगवान के चरणों में आके रोने लगे, तो भगवान ने कह दिया कि मैं ब्राह्मणों की बात का अनुमोदन करता हूँ, काट नहीं सकता। ब्राह्मणों की बात को, संतों की बात को भगवान इतना धारण करते हैं प्यारे यारे, ऐसी कौन सी महिमा है ब्राह्मणों की। एक राजा थे महाराज, वो सदा एक मंत्री की ड्यूटी लगा रखी थी कि तुमने इतना सारा दूध, 1.25 मन दूध हर रोज गंगा जी में चढ़ाना है। हर रोज चढ़ाते थे। एक दिन संत ब्राह्मण द्वार पे आ गए, आके द्वारपाल मिल गए, कहा महाराज। जैसे ही देखा संत ब्राह्मणों को, द्वारपाल ने कहा आज मेरे भगवान किस चीज का भोग लगाएंगे। संत ब्राह्मणों ने कहा कि आज तो खीर पूड़ी का भोग लग जाए, बड़ा आनंद आ जावे। द्वारपाल ने सोचा गंगा जी में तो हर रोज चढ़ाता हूँ, आज इस दूध की क्यों नहीं खीर बनवाई जाए, ब्राह्मण संतों को खिलाई जाए। जैसे ही खिलाई महाराज, रात्रि के समय द्वारपाल, आज वो दरबारी था जो मंत्री था वो तो चला गया घर पे। रात को राजा सो रहे थे, स्वप्न में गंगा मैया दिखाई दी और राजा को बहुत भारी आशीर्वाद दिया कि हे राजन आज मैं तुम्हारे भाव से प्रसन्न हो गई हूँ, आज वास्तव में तुम्हारा दूध मुझे चढ़ गया है। अन्न धन का आशीर्वाद गंगा मैया ने दिया। प्रातः काल राजा ने ब्राह्मण को, दरबारी को बुलाया, मंत्री को बुलाया। मंत्री डर गया कि राजा को पता चल गया आज मुझे छोड़ेगा नहीं। आज पूछा राजा ने, तूने दिए हुए कल दूध का क्या किया था। डर के मारे राजा ने कह दिया महाराज मैंने इस दूध की खीर बनवाई, ब्राह्मणों को खिलाई, संतों को खिलाई। राजा ने कहा तेरी इस खीर से ही आज मेरी गंगा मैया प्रसन्न हो गई, इसलिए मैं तुझे पारितोषित करता हूँ। कहते हैं ये कृपा है संत ब्राह्मणों की सेवा करने की। तो इसलिए आज वो दैत्य पैदा हुए, और परंतु ऋषि ने ये बात भी कह दी थी इनका उद्धार भगवान के हाथों ही होगा, और तुम्हारे कुल में आगे चलकर स्वयं भगवान का भक्त पैदा होगा। इसी कुल में ही तो महाराज, यही तो कुल है कश्यप ऋषि का, जिसमें आगे चल के प्रहलाद जी महाराज जैसे हुए। और प्रभु कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर आई और मनु जी महाराज और शत्रुपा जी से दो पुत्र हुए प्रियव्रत व उत्तानपा, तीन पुत्र हो देवहूति आहुति प्रसूति। और कहते हैं अपनी पुत्री के लिए
देवहूति के लिए आज मनुजी महाराज स्वयं वर ढूंढने जाते हैं। भगवान की ही आज्ञा से कहते हैं महर्षि कर्दम को वर के रूप में चुनते हैं और दोनों का बड़ा सुंदर विवाह होता है। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओ हरि की कथा सुनाने वाले सुखदेव जी कौन है? ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको Bye.
तेरा क्या पाए बस शीश झुकाए जाए ओ राह दिखाने वाले ओ राह दिखाने वाले ओ मार्ग दिखाने वाले ओ मार्ग दिखाने वाले तुम बड़ा I'm not afraid.
सुख करनी ते दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती बोल जग पंथ कोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ कोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम जही घन श्याम जही श्री राम जही घन श्याम जही प्रभु की महिमा पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है भगवान की जय श्री निम्बारक भगवान की जय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुरूपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास
ततो जयं मुदीरयेत। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुत्तम तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्तिः सीतां ऋषिति निन्दित शारदेन्दु यत्रेकतो विलसितां सीताङ्गशोभां वृन्दावनीयभिकृतियामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वंशी विभूषित करावनवनीरदाभ पीताम्बरादरणं बिम्बिफलादरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सर्गस्थिति निरोधार्थं कामाकाममयो हि यः तं कामं कामकाममग्नं कामाभावाय कामये। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्तः कलिग्रहात् श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता राधाभक्तिर्हरिज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता
ताम श्री भागवती गाथा वंदे युगले रूपिणी। कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरि। जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्ण गति मम। कृष्ण प्राण मई राधा, राधा प्राण मयो हरि। जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आया श्री जी के द्वार। और शिभानु की लाडली नट मेरी ओर निहां। और शिभानु की लाडली नक मेरी ओर निहां। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम। जिनके युगल चरणन में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जिनके युगल चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। जे राधे जी राधे राधे। जे राधे जय श्री राधे। Thank you.
प्रिय स्वामिनी प्यारी श्री राधे।
ब्रज लता तरु बैठ कर पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार कर सब बोलो श्री राधे, सब बोलो श्री राधे, सब बोलो श्री राधे। श्री किशोरी जो युगल छवि के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस स्थान की आदि देवी साक्षात मां मनसा, जिनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस स्थान के ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता सबके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी संत वृंद, आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, माताओं, मेरे गोविंद के बाल स्वरूप उन बालकों के मन हृदय मंदिर में विराजमान ठाकुर चरणों में प्रणाम करते हुए बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री निम्बारक भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः बरसाने वाली क्या है तुकी कृपा हम सबके ऊपर हुई हुई, और इसी कृपा के अनुगत परिणाम को मानते हुए हम और आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन तृतीय दिवस में राधा रानी की ही गोद में आके फिर से विराजमान हुए। धन्य ही यह भागवती वार्ता प्यारे, और धन्य ही यह भागवत धर्म कि जिसके शरणागत होके जीव किशोरी जू के चरणों का कृपा पात्र बन जाता है, दास बन जाता है। भक्ति पथ पर चलने वाले भगवान के ही प्यारे होते हैं, प्रभु के ही प्यारे होते हैं। जीव को अपने परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास की डोर जितनी मजबूत होगी प्रभु का सहारा भी उतना ही अधिक होगा। इष्ट के प्रति सच्ची उपासना, इष्ट के प्रति सच्चा विश्वास जीव को इष्ट की कृपा दिलाती है। जीवन में भक्ति की धारा का प्रवाहन विनम्रता के सिंहासन पर बैठकर होता है, अर्थात भक्ति महारानी विनम्रता के सिंहासन पर आती है। इसलिए जीवन में विनम्रता का होना परम आवश्यक है। सदगुरुदेव सुनाते हैं कि
कल हम सबने प्रसंग श्रवण की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर सुंदर प्रसंग कथा का विश्राम कल देवहूति कर्दम विवाह के संग हुआ। सदगुरुदेव आगे की पावनी कथा सुनाते हैं। बड़ी मधुर है, बड़ी प्यारी है ये कथा। आइए हम और आप सब प्रवेश करें इसी सुंदर कथा में बड़े ही भाव के साथ। कहते हैं देवहूति महर्षि कर्दम का विवाह हुआ, परंतु ऋषि विवाह के पश्चात फिर से अपने कर्म में लग गए, अर्थात तप में लग गए। बहुत समय बीत गया तप करते करते, भूल गए थे ऋषि कि गृहस्थ जीवन की अनुपालना भी मुझे करनी है। भक्ति जीवन के सारे द्वंद्वों को समाप्त कर देती है, सारे विकारों को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत समय जब बीत गया, देवहूति अपने पति की भक्ति में उनकी सेवा करती है, शरीर को तपोमय बना लिया देवहूति ने, और सेवा करते करते आज शरीर कांटा हो गया, सूख गया, भूल गई थी सब कुछ। स्वतः एक दिन महर्षि कर्दम की दृष्टि जब देवहूति के ऊपर पड़ी, संत हृदय करुणता से भर गया कि देवहूति ने मेरी कितनी सेवा की है, मुझे इसके निमित्त जो मैंने गृहस्थ धर्म अपनाया उसे भी निभाना होगा। और कहते हैं ऋषि ने अपने तपोबल से आज सुंदर स्वरूप धारण किया और देवहूति को भी कराया, सुंदर विमान में बैठकर गृहस्थ जीवन की अनुपालना करते हुए कहते हैं कि आज नौ कन्याएं देवहूति से हुई। कन्याएं पैदा हो गई, ऋषिवर ने देवी से कहा कि देवी गृहस्थ जीवन की अनुपालना मैंने करी, अब मैं फिर से तप करना चाहता हूं। खिन्न मन हो गया देवहूति का कि हे प्रभु, कन्याओं की उत्पत्ति तो हो गई परंतु इनका विवाह भी तो करना है, केवल संतति उत्पन्न करना ही गृहस्थ धर्म नहीं हो सकता, इसकी अनुपालना करना भी परम आवश्यक है। इसलिए इस समय आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते कि फिर मुझे क्या प्राप्त हुआ आपके संग्रह के, ना तो मैं गृहस्थ जीवन को ही निभा सकी और ना ही मैं प्रभु को ही पा सकी। इसलिए हे प्रभु अपने दायित्व को निभाइए। दोहा तो है मानस का एक बड़ा प्यारा, जिन रुखे विषे रस चिकने राम सने तुलसी ते प्रिय राम के कानन बस की गे, तुलसी ते प्रिय राम के कानन बस की गे है। हे स्वामी मैं तो हमेशा आपकी साधना में सहयोगिनी की भांति रही, फिर आप क्यों गृहस्थ जीवन का त्याग करना चाहते हैं। महाराज जनक ने भी गृहस्थ जीवन को धारण करते हुए गृहस्थी को निभाया, तो फिर आपके हृदय में आज ये वैराग्य क्यों पैदा हो रहा है। मुझे संग रखिए, मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी भक्ति मार्ग में मैं आपका ही अनुसरण करती रहूंगी। निहयत कर्म धम में विरागाय कल्पते, नेतार्थ पद सेवाय जीवन न पी मृतो हि स, जीवन न पी
हिस्सा। मैंने धर्म का तो आचरण किया परंतु ना जीवन में वैराग्य को ला सकी और ना ही मुझसे आपकी सेवा बन पड़ी, अतः ऐसे रूखे जीवन का क्या लाभ है। मैं कैसी हतभागिनी हूं, नदी किनारे बैठी रही परंतु प्यासी रही। ऐसा वातावरण देखकर ऋषिवर ने धीरज बंधाया, देवी को देवहूति को धैर्य बंधाया। माँ के दो राज जो मातमानम प्रतिनिंदिते भगवान ते अक्षरो गर्भम दूरात् संप्रत्यते दूरात् संप्रत्यते। निष्पाप राजकुमारी, तुम्हें अधीर नहीं होना चाहिए। तुम्हें परम ब्रह्म को मातृत्व का सुख देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हारे गर्भ से साक्षात कपिल भगवान का अवतरण होगा।